तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में, पूंजीवाद के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टअप यूगेस में जैसे आप जानते हैं कि हम आपको मदद करते हैं स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपको गाइड देते हैं, आपको बेसिक्स हम बताते हैं। आपको इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगे जहाँ पे आप स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैंने अपने रियल लाइफ MBA करके मैंने सीखा है, मैंने कहीं पे MBA नहीं किया, मैंने सब कुछ बिजनेस करने का तरीका, सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ मैंने रियल लाइफ से सीखा है। तो वही मेरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप अपना सफल बिजनेस शुरू कर सकें और बारीकियां जो बेसिक्स होती हैं वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको सिखाया जाए, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और एक सफल कैपिटलिस्ट बन सके। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि भैया अम्बरीश आप क्या कर रहे हो यार, इतना अभी क्लासेस लेना शुरू कर दिया और ये सेटअप कौन सा है। ये सेटअप एक्चुअली हम स्किल योगी में, मेरा जो स्टार्टअप है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा स्टार्टअप जो है स्किल योगी, वहाँ पे हम टीचर्स को मदद करते हैं, हम इंस्टीट्यूट्स को मदद करते हैं, जो भी टीचिंग फील्ड में है उनको मदद करते हैं, ताकि वो ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग आ सके बिना किसी दिक्कत के। हमारी स्टार्टअप जो है उनको मदद करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेटअप जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, सिखाने में, आपको समझाने में, मेरा जो एक्सपीरियंस या नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। सुन के आपको लग रहा होगा कि प्रोटेस्ट होता है, बहुत कुछ अडानी अंबानी इनके पीछे आपका बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कहते हैं कि ये लोग पूंजीवादी हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं, फलाना फलाना फलाना। पर मुझे एक बात बताइए, आप जो ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, यूट्यूब हु इज द ओनर? गूगल, ठीक है। और आप जो मोबाइल हाथ में इस्तेमाल कर रहे हो, मे बी आपको जो भी कंपनी है वो किस कंपनी का है, सैमसंग या माइक्रोमैक्स या ओप्पो या शाओमी का है। आप जो इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हो, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, जियो एयरटेल का, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपने जो कपड़ा पहना हुआ है वो किसने बनाया, किसी कोई भी मैक्स फैशन या कोई भी आपने नाम ले लिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप जो थम्सअप पीते हो या जो भी खाना आपके घर में आता है, पैकेट फूड आपका आता है, अमेजोन में आप ऑर्डर करते हो, वो क्या होता है, सो ऑनलाइन जब आप परचेज करते हो, सो आपके अराउंड में आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज मेड बाय, ऑल द थिंग्स आर मेड एंड प्रोवाइडेड टू यू बाय अ कैपिटलिस्ट। गूगल एक कैपिटलिस्टिक कंपनी है, इट इज़ अ प्रॉफिट कंपनी, फॉर प्रॉफिट कंपनी। सैमसंग एक फॉर प्रॉफिट, मतलब आपको मोबाइल बेच के वो पैसा कमाती है, फ़ायदा कमाती है। आपको इंटरनेट कनेक्शन दे के जियो पैसा कमाता है, एयरटेल पैसा कमाता है। आपको जो कपड़ा आप खरीदते हो उससे, आप जिससे खरीद रहे हो वो उससे पैसा कमाता है, बॉम्बे डाइंग से पैसा कमा, बॉम्बे डाइंग आपको घर का सामान बेच के पैसा कमाते हैं। ऑनलाइन में अमेजोन में कुछ सामान खरीदते हो तो अमेजोन आपको सामान बेच के पैसा कमाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल। आप जो चाय पीते हैं वो तो आप कहीं से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या दुकान में जाके पी रहे हैं, वो भी आपका कैपिटलिज्म है, ठीक है। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक जिस कंपनी का आपने खरीदा है वो भी कैपिटलिज्म है, वो एक कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्ट ने आपको बेचा है, आपने उससे खरीदा है। गाड़ी जो आप खरीदते हो वो भी आपने किसी कैपिटलिस्ट से खरीदा है और उसको इस्तेमाल कर रहे हो। सो वी ऑल आर सराउंडेड बाय कैपिटलिस्ट। एंड अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यू वॉन्ट टू बिकम अ कैपिटलिस्ट। आप एक पूंजीवाद बनना चाहते हो जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो सबके लिए, अपने कस्टमर के लिए और खुद के लिए भी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कैपिटलिज्म। तो चलिए बात करते हैं कैपिटलिज्म इट्सेल्फ क्या होता है। मैं आपको बुकिश डेफिनेशन नहीं दूंगा, कैपिटलिज्म इटसेल्फ व्हाट इट मींस इज फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस एंड विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इसका मालिक नहीं होता है, जैसे कम्युनिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट मालिक होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपके कंपनी का मालिक नहीं होता है अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब जब आप प्राइवेट कंपनी खोलते हैं या LLP खोलते हैं या आपने स्टॉक मार्केट में IPO में बेचा है, दैट इज अ लिमिटेड कंपनी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिविजुअल कंपनी। सो दीज आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स। और आपका मोटिव क्या होता है, आपका मोटिव ये होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना, जहाँ पे उस सर्विस प्रोवाइड जब आप करेंगे वहाँ से आप एक मुनाफा कमाते हैं, आप परसेंटेज ऑफ मार्जिन
ऑफ प्रॉफिट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो अभी तो आप आसाम में जाके चाय उठा के चाय बना के तो पीने वाले हो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप क्या जाते हो, मार्केट में जाके एक 10 रुपए का चाय पत्ती का पैकेट खरीदते हो। अगर बहुत पैसे वाले हो तो 1000 रुपए का चाय का पत्ती का पैकेट खोल के आप उसको पीते हो, राइट। सो ये चाय बनाने के लिए किसी को चाय का बगान खोलना पड़ा है, वहां पे लेबर फोर्स लगाना पड़ा है, जो चाय पत्ती है उसको उठाना पड़ा है, उसको सुखाना पड़ा है, फिर वहां से चाय पत्ती बनी है। सो द पर्सन हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज, यहाँ पे आपको एंड रिजल्ट चाहिए चाय, और चाय पत्ती बनाने के लिए जो ये हेडेक लेता है वो है कैपिटलिस्ट, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहे, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए बना रहे, ताकि उसका ओवरहेड जो पूरा खर्चा जो होता है चाय बगान चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, वो खर्चा कम हो जाए। सो व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, द पर्सन इज केटरिंग टू द कस्टमर, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो कैपिटल, अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल हो, मनी कैपिटल हो, रिसोर्सेज, जो भी उसका कैपिटल है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, इन अ होप दैट आपको वो सर्विस या प्रोडक्ट दे पाएगा, ठीक है, सर्विस या प्रोडक्ट दे पाएगा। और वो सर्विस ऑफ प्रोडक्ट दे के जो भी उसका बेयर मिनिमम कॉस्ट, अगर सोचिए कि उसका 100 रुपये खर्चा हुआ है पर केजी बनाने में, तो उसमें से अगर 20% उसने मार्जिन रखा हुआ, यानी आपका 120 रुपये में आपको उसने बेच दिया, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये। तो आप जैसे वो लाखों लोगों को, अगर 10 लाख लोगों को उसने बेचा, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 200 लाख रुपये, यानी उसका 2 करोड़ रुपये उसका प्रॉफिट हो जाता है। सो दिस इज हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स। सो इससे फायदा ये होता है कि आपको कम खर्च में, आपको यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए खर्चा नहीं करना पड़ा है, 1 करोड़ रुपए खर्चा नहीं करना पड़ा है चाय पत्ती निकाल के बनाने के लिए, राइट। जो टूथब्रश, टूथपेस्ट यूज करते हो, उसको अगर बनाने जाओगे पागल हो जाओगे, आपके लिए संभव नहीं है। बट थ्रू दिस, थ्रू कैपिटलिज्म, इट इज मेड वेरी सिंपल एंड प्रोवाइडेड टू यू एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, राइट। तो ये होता है कैपिटलिज्म का बेसिक फंडा। पर इसमें भी कैपिटलिज्म, गुड कैपिटलिज्म, बैड कैपिटलिज्म दोनों ही होता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलिज्म होता क्या है, बेसिक्स क्या है। मैं आपको बुकिश डेफिनेशन देके कोई फायदा नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। तो अभी इसमें गुड कैपिटलिज्म, फिर इसमें टॉपिक आता है गुड एंड बैड कैपिटलिज्म, राइट। गुड कैपिटलिज्म मतलब जहां पे हेल्दी कॉम्पिटिशन है, सिंपल मैं बता देता हूँ, ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, हेल्दी कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली नहीं है, किसी की अपनी चलती नहीं है कि हाँ भाई मेरा है, मेरे से लेना पड़ेगा नहीं तो हम खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। देयर इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर आपका कोलगेट का थम, आपका टूथपेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आपने पेप्सोडेंट का ले लिया, पेप्सोडेंट का नहीं अच्छा लगा तो डाबर का ले लिया, डाबर का अच्छा नहीं लगा तो पतंजलि का ले लिया। तो सो देयर इज अ गुड कॉम्पिटिशन वेयर यू हैव चॉइसेस, राइट। बैड कैपिटलिज्म जहाँ पे होता है वहाँ पे सिर्फ मोनोपोली, सब एक से ही लेना पड़ेगा भैया, और मैं जितना पैसा होगा मैं निकालूंगा, ये बैड कैपिटलिज्म होता है। उसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, दोनों अगर एक साथ होके अगर आपको चूना लगाते हैं, ठीक है, जो 10 रुपये का सामान आपको मिलना चाहिए वो अगर आपको 50 रुपये देना पड़े, तो फिर वो हो जाता है बैड कैपिटलिज्म। सो आई होप, बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग करप्शन करते हैं, पीपल गेट करप्ट, पीपल गेट ग्रीडी, बट दैट इज नॉट द वे। तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना छोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, आप एक पूंजीवाद हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसी जगह पे आप अपना 10-20% प्रॉफिट मार्जिन उठा रहे हैं, ताकि आपको भी वेल्थ थोड़ा सा मिले। आप दूसरे को वेल्थ दे रहे हो, वहां से आपको रिटर्न वेल्थ मिलेगा। सो दिस इज कैपिटलिज्म, दिस इज वेयर यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, दिस इज हाउ इंडिया नीड्स, हजारों करोड़ों हमें कैपिटलिस्ट चाहिए हमारे देश में, ताकि हमारा देश जो है, भारत जो है, वो आत्मनिर्भर बन सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।